हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल दीपिका मेडिटेशन पावर में। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है, तो काइंडली सपोर्ट मी इफ़ यू लाइक माई वीडियोस। और न्यू वीडियो के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, आज मेरा विषय है कि डोंट यूज़ 3 नेगेटिव सेंटेंसेस इन योर लाइफ। आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, पर पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक आप पॉजिटिव सोचेंगे नहीं, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। फ्रेंड्स, हम अक्सर 3 नेगेटिव चीज़ों को यूज़ करते हैं जिसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हमारे माइंड और लाइफ पर पड़ता है। इसमें पहला है, मैं यह नहीं कर सकता या कर सकती, या मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता या मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकती। यदि आप इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं और जब आप बार बार यह बोलेंगे या सोचेंगे, तो यह मैसेज आपके माइंड को मिलेगा। और जब यह मैसेज आपके माइंड को बार बार मिलेगा, तो आपके माइंड के अंदर यह फीड हो जाएगा और वह वैसा ही रिएक्ट करेगा। एक एग्जांपल है, जब हम छोटे होते हैं तो अक्सर बड़े लोग हमें किसी चीज़ को ना करने से हटाने के लिए किसी दूसरी चीज़ से डराते हैं या डांटते हैं, तो कई बार वह चीज़ धीरे धीरे डर का रूप ले लेती है। और बड़े होने पर भी वह डर जो होता है, वह व्यक्ति में बना रहता है और वह उससे डरता रहता है। जैसे किसी को बचपन में अंधेरे से डर लगता है, तो वह बड़े होकर भी अंधेरे से डरता है, क्योंकि उसे बचपन से ही अंधेरे से डर लगता है। तो वह सोचता है कि मतलब बड़े होकर भी उसको वैसा ही एहसास होता रहता है कि अंधेरे में उसको डर लगेगा, क्योंकि यह चीज़ उसके माइंड में बचपन से फीड हो गई कि मैं अंधेरे से डरता हूँ। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी अवचेतन मन में, वे बात जो होती है वो बैठ जाती है। और जब आप यह बोलते हैं कि मैं यह कार्य नहीं कर सकता, मैं खुद को चेंज नहीं कर सकता, तब आप एक नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं और आप वह कार्य करने से पहले ही खुद को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ कीजिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं जो कर रहा हूँ वह सही है। फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट ये है कि डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ।
अपनी आलोचना आप खुद मत कीजिए। अक्सर आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वे खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, वो खुद की आलोचना करते रहते हैं, कभी खुद के सामने और कभी दूसरों के सामने। या पेरेंट्स अपने बच्चों को क्रिटिसाइज करते हैं किसी दूसरे के सामने कि यह पढ़ता नहीं है, या यह हमेशा हर कार्य गलत करता है, काम गलत करता है। ऐसा करके आप अपने बच्चे को दूसरे के सामने नेगेटिव फील करवा रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस लो कर रहे हैं और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाते हैं। जब आप बार बार ऐसा खुद के लिए बोलते हैं तो वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है और आप हमेशा अपनी आलोचना को स्वीकार करने लग जाते हैं, जिससे नेगेटिविटी माइंड में आ जाती है। और यदि आप बच्चों के साथ ऐसा करते हो तो वह और भी जिद्दी हो जाते हैं और वे वही कार्य करते हैं, वही काम करते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आलोचना तो मिलनी ही है। तो अपनी मर्जी से काम करो, इसलिए आपको खुद को या अपने बच्चों को या अन्य किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं करना है, उसकी आलोचना नहीं करनी है। आपको दूसरों को, खुद को एनकरेज करना है अच्छे काम के लिए। फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट है नेगेटिव व्यूज। फ्रेंड्स, आपको अपने लिए या किसी दूसरे के लिए नेगेटिव व्यूज नहीं देने हैं, नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करना है, क्योंकि जब हम बार बार नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं तो वो माइंड में फीड हो जाते हैं और हमारा माइंड उसी तरह से रिएक्ट करने लग जाता है और वो हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेता है और आप हमेशा नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए कि आप जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं, चाहे सामने वाला कुछ भी बोले, लेकिन आप अपने आप को हमेशा अच्छा सोचिए अपने लिए और अच्छा कीजिए और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। एक बहुत ही सुंदर कोट है, थॉट्स हैव एनर्जी, मेक श्योर योर थॉट्स आर पॉजिटिव एंड पावरफुल। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। स्टे कूल, स्टे काम एंड स्टे फिट। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। Thank you.